बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हेयर आई एम योर कंप्यूटर टीचर कहकशां फजल एंड टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट और लेक्चर नंबर 7, दैट इज़ वीक नंबर 7 एंड टॉपिक दैट वी विल डिस्कस अबाउट ऑफिस ऑटोमेशन एंड द टॉपिक इज़ सेक्शन ब्रेक एंड पेज ब्रेक। समरी ऑफ टुडे लेसन इज प्रैक्टिकली परफॉर्म प्रीवियस लेक्चर एंड देन द वीक 7 लेक्चर इज सेक्शन ब्रेक एंड पेज ब्रेक। ओके, नेक्स्ट इज वीक 7। ओके, फर्स्टली वी विल डिस्कस द प्रीवियस लेक्चर। द टॉपिक ऑफ प्रीवियस लेक्चर इज हाउ वी कैन फॉर्मेटिंग टेक्स्ट पैराग्राफ एंड पेज, के हम अपने पेज पैराग्राफ या टेक्स्ट जो हम लोग एमएस वर्ड के ऊपर टाइप करते हैं या एमएस वर्ड के ऊपर जो हमारे पास डॉक्यूमेंट्स बने होते हैं उनमें उनको हम फॉर्मेटिंग कैसे कर सकते हैं, उन पे हम लोग कैसे उसमें डिफरेंट चीज़ें अप्लाई करके उनको फॉर्मेट किया जा सकता है। तो यहाँ पे आज हम प्रैक्टिकली इसको अप्लाई करेंगे। वैसे इसके बारे में प्रीवियस लेक्चर के अंदर मैंने आपको डिटेल्ड में स्टेप बाय स्टेप बताया था कि हाउ वी कैन फॉर्मेटिंग टेक्स्ट, हाउ वी कैन फॉर्मेटिंग पैराग्राफ एंड पेजेस। नाउ वी विल प्रैक्टिकली, यू कैन सी प्रैक्टिकली इन दिस लेक्चर। ओके, फर्स्टली वी विल क्रिएट अ डॉक्यूमेंट इन एमएस वर्ड। हाउ वी कैन क्रिएट, फर्स्टली हेयर यू राइट क्लिक ऑन योर डेस्कटॉप एंड क्रिएट अ फोल्डर, क्लिक ऑन न्यू, देन यू कैन सी अ मल्टीपल ऑप्शंस आर हेयर एंड हेयर यू कैन select the Microsoft Office Word. Okay, you can see here a document created, Office Word document are created. Okay, इसको हम लोग नाम दे देते हैं, आप इसको कोई नाम भी दे सकते हैं, ABCD, या आप पैराग्राफ का नाम दे दें। Okay, अब हम इसको ओपन करते हैं, डबल क्लिक करें या आप इसको राइट क्लिक करके ओपन पे क्लिक कर दें तो आपके पास एक डॉक्यूमेंट ओपन हो जाएगा। अब इस डॉक्यूमेंट को ओपन करने के बाद हम यहाँ पे एक पैराग्राफ टाइप कर सकते हैं, ठीक है। अगर पैराग्राफ आपका ये हो सकता है आपके पास, यानी जब आपके पास डॉक्यूमेंट्स होते हैं या आपके पास नोट्स होते हैं तो यू हैव मल्टीपल पैराग्राफ्स आर देयर, ठीक है, मेनी पैराग्राफ्स आर देयर, तो आप उनमें से हर पैराग्राफ को, यानी आप ऐसा भी कर सकते हैं कि पहला पैराग्राफ जो है उसको आपने कोई और लुक दी है, सेकेंड को आपने कुछ, थर्ड को कुछ और, इस तरह से भी कर सकते हैं। आप सारे पैराग्राफ को भी फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, बट हेयर मैं आपको बताऊंगी कि हम पैराग्राफ की फॉर्मेटिंग कैसे कर सकते हैं और उस फॉर्मेटिंग को देखते हुए आप वही चीज़, वही ऑप्शन जो है वो अपने जो भी आपका टेक्स्ट होता है, जो भी पैराग्राफ होता है या जो भी पेज होता है उस पर आप अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ मैं सिंपली कुछ भी लिख लेती हूँ, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल हेयर इज एन पैराग्राफ, 4-line पैराग्राफ, ओके, दैट इज़ योर पैराग्राफ। यहाँ पे ये आप इसको देख सकते हैं कि फॉर एग्जाम्पल हमारे पास 4 line का एक पैराग्राफ मैंने लिखा है। अब इसमें हम फॉर्मेटिंग, आप अपने अगर बुक में देखेंगे तो बुक में भी क्लियरली आपके पास ऑप्शंस, सॉरी आपके पास पॉइंट्स में भी दिए हुए हैं, आपके पास देख सकते हैं कि टॉपिक्स वाइज भी डिस्क्राइब किया हुआ है कि हम पैराग्राफ कैसे इंसर्ट कर सकते हैं, अब इससे पहले भी इक्वेशन कैसे इंसर्ट करते हैं, बट यहाँ पे मैं आप लोगों को पैराग्राफ के आज बता देती हूँ कि हम किसी भी पैराग्राफ, अब फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये पैराग्राफ है, हमने इसका सबसे पहले इसके जो जो इस यहाँ पे हमने लिखा हुआ है उसका साइज़ हमने चेंज करना है, ठीक है। तो इसका फॉन्ट साइज़ हम चेंज करने के लिए सबसे पहले हम इसी को सेलेक्ट करेंगे, ड्रैग करेंगे अपने माउस के कर्सर को, और माउस के कर्सर को ड्रैग करके ब्लू आप लोगों को शेडो नज़र आ रहा है, ये सेलेक्ट हो चुका है। अब यहाँ से आप होम पे जाके यहाँ पे आप देखेंगे कि हमारे पास इसका साइज़, यहाँ से हम इसको चेंज कर सकते हैं, यू कैन चेंज सेलेक्ट एनी, यहाँ पे आप देखें आप इसकी लैंग्वेज चेंज हो रही है, ये भी देख सकते हैं कि ये सारी हमारे पास मल्टीपल लैंग्वेजेस आ रही है। अपने चॉइस, आप अपनी जो भी आपको यहाँ से विच यू लाइक टू अप्लाई ऑन द टेक्स्ट।
ओके अब यहाँ पे हम मोस्टली जो है अपने जो स्टडी से रिलेटेड ये जो हमारा फॉर्मेट होता है वो टाइम न्यू रोमन का होता है, ठीक है, हम ये इसको चूज़ कर सकते हैं। उसके बाद अगर हम लोगों ने फॉन्ट साइज और इफेक्शन इसके अगर हमने चेंज करने हैं तो वो कैसे कर सकते हैं, यहाँ पे आपके पास एक छोटी सी विंडो आपके पास ओपन हो रही है, ठीक है, इसके थ्रू भी आप कर सकते हैं। यहाँ पे आपके पास इंसर्ट के फॉर्म होम पे ही हम रहते हैं, ठीक है, होम पे रहते हुए हम इसका कलर चेंज कर सकते हैं, ठीक है, अगर आप देखेंगे तो इनके कलर्स भी हम लोग चेंज कर सकते हैं, यू कैन सी। उसके बाद हम इसका बैकग्राउंड कलर अगर हमने चेंज करना है, ये जो रोज कॉलम्स हैं वो चेंज कर सकते हैं, ये आप लोगों को नज़र आ रहा है हाउ वी कैन चेंज, ठीक है। उसके बाद अगर आप ये सेंटेंस के ओके एक चीज़ और, अब यहाँ पे ये तो साइज कलर ये बोल्ड इटालिक वट एवर, ठीक है, आप इसको अंडरलाइन करना चाह रहे हैं या आप जो भी करना चाह रहे हैं वो सारा पहले इसको सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। सेलेक्ट करने के बाद फॉर एग्जांपल मैंने इसको बोल्ड करना है तो बोल्ड हो गया, इटालिक करना है तो इटालिक हो गया, अंडरलाइन करना है तो अंडरलाइन हो गया, ठीक है, ये सारी चीज़ें यहाँ से तो हमारे पास इसका फॉन्ट साइज चेंज होता है। अब हमने इसकी अलाइनमेंट करनी है, ठीक है, हमारे पास जो हमने टेक्स्ट लिखा हुआ है इसकी अलाइनमेंट, अलाइनमेंट क्या होती है कि अगर फॉर एग्जाम्पल ये लेफ्ट सारा जो है वो लेफ्ट आप देख सकते हैं अलाइनमेंट टेक्स्ट लेफ्ट, ठीक है, इसको क्लिक करेंगे लेफ्ट की तरफ हो जाएगा, इसको क्लिक करेंगे तो ये मिड में हो जाएगा, इसको क्लिक करेंगे तो राइट साइड पे हो जाएगा, इसको क्लिक करेंगे तो ये हमारे पास जस्टिफाइड हो जाएगा, ठीक है, यू कैन सी। अब यहाँ पे हम लोग इस पर क्लिक करेंगे तो ये हमारे पास लाइन स्पेसिंग यानी इसके दरमियान में जो अमूमन जो कॉमनली लाइन स्पेस यूज़ होती है वो 1.15 यूज़ होती है, अगर हम 1.0 यूज़ करेंगे तो इट्स क्वाइट वेरी कंजेस्टिव, ठीक है, और ये अगर आप देखेंगे तो ये काफ़ी जो है वो हमारे पास स्पेसिंग आ जाती है, बट इसमें कॉमनली जो हम यूज़ करते हैं वो 1.15 होती है, ठीक है, जो नोट्स वगैरह के लिए यूज़ है। इसके बाद अगर हम बैकग्राउंड कलर इसका चेंज करना चाहते हैं तो ये इसका पहले का हमें बैकग्राउंड कलर चेंज किया, अगर हम सबको सेलेक्ट करके पूरा यहाँ से चेंज करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर क्लिक करके इसका बैकग्राउंड कलर भी यहाँ से चेंज हो सकता है, यू कैन सी, ठीक है। तो ये सारे हमारे पास क्या था, अब इसको बॉटम बॉर्डर, बॉर्डर कैसे बनाते हैं, ठीक है, टॉप बॉर्डर, टॉप बॉर्डर कैसे आपने रखा है, राइट बॉर्डर, लेफ्ट बॉर्डर, यानी जो जो मैं कलर चेंज करती हूँ ताकि आपको पता चले कि बॉर्डर कलर जो है वो किस तरह से हमारे पास हुआ है। ये सारी हमारे पास क्या है, इसकी फॉर्मेटिंग, टेक्स्ट फॉर्मेटिंग, पैराग्राफ फॉर्मेटिंग, यानी पैराग्राफ के अंदर ही टेक्स्ट लिखा हुआ है, ठीक है, तो टेक्स्ट फॉर्मेटिंग है और पैराग्राफ फॉर्मेटिंग है जो कि हमें नज़र आ रहा है, ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं, हम इसको यहाँ से वाइट कर देते हैं और इसके बॉर्डर शेड वगैरह चेंज करना आप बता देते हैं, ठीक है। अब हम इसके बॉर्डर्स वगैरह लगा लेते हैं, ऑल बॉर्डर, ये देख लें आप इसके बॉर्डर्स किस तरह से लगे हैं, ठीक है, इनसाइड बॉर्डर, आउटसाइड बॉर्डर, तो ये सारा हम इसमें फॉर्मेटिंग वगैरह चेंज कर सकते हैं, ठीक है, ये हमने टेक्स्ट पे फॉर्मेटिंग की है, ठीक है, होपफुली कि आप लोगों को समझ आ गई होगी। अब हम लोग पेज पे आते हैं, ठीक है, पेज पेज की जो हमारे पास लेआउट होती है वो किस तरह से हम चेंज कर सकते हैं, सबसे पहले तो मैं आपको स्लाइड्स पे हम जाएंगे, स्लाइड्स पे आप देखेंगे, स्लाइड के अंदर अगर आप देखें तो हम ये काम हमारे पास हो गया। पेज का मैं अभी आपको इसलिए नहीं बता रही कि पहले हम सेक्शन ब्रेक और पेज ब्रेक के बारे में पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद हम पेज पे आते हैं कि हाउ वी कैन फॉर्मेट अ पेज इन वर्ड डॉक्यूमेंट। ओके, व्हाट इज सेक्शन ब्रेक एंड पेज ब्रेक, बॉयज़ आप लोग ऑलरेडी 8th क्लास में पढ़ चुके हैं, डिटेल में पढ़ चुके हैं, क्वेश्चंस भी आपके पास इसका आंसर लिखा हुआ है तो आप वही आंसर लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा इसके बारे में बताया कि पेज ब्रेक इज द मार्कर दैट टेल वर्ड प्रोग्राम दैट द कॉन्टेंट विच फॉलो आर टू अपेयर ऑन द न्यू पेज, यानी आपका पेज ब्रेक ये होता है कि वो आप ऐसा कॉन्टेंट एडजस्ट करते हो कि जो मार्कर टाइप होता है, आपने एक कॉन्टेंट एडजस्ट किया है वही हमारे पास सारे यानी नेक्स्ट अपेयर हो न्यू पेज के ऊपर भी अपेयर हो जाएगा। देन सेक्शन ब्रेक क्या होता है, सेक्शन ब्रेक इज ऑल्सो इंसर्ट अ न्यू पेज बट इट अलाउज द यूजर टू चेंज द पेज फॉर्मेट विदाउट हैविंग एनी इफेक्ट ऑन द फॉर्मेटिंग ऑफ द प्रीवियस पेज। अब इसमें ये होता है कि जब हम न्यू पेज ओपन करते हैं, फॉर एग्जाम्पल पहला पेज हमने काफ़ी डेकोरेट किया हुआ है, ठीक है, अगर हमने पेज ब्रेक लगाया हुआ है तो पेज ब्रेक में क्या होगा कि हमारे पास वो सारे पेजेस के ऊपर आ जाएगा, ठीक है, जो भी हम पहले पेज के ऊपर डेकोरेशन या जो भी करते हैं।